पर अपना हो रहा है पास्ता बॉयल, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है ग्रेवी। ओए भाई एक नंबर। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार आज हम लोग ना बहुत मतलब मस्त वाला कुछ बनाने वाले हैं खाने का, क्योंकि यार हमने बाहर रखा है बहुत दिन हो गए हैं। सो अभी हम लोग फिलहाल के लिए बाहर जा रहे हैं और देखते हैं क्या बनाते हैं। सो आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। सो गाइस अब हम जा रहे हैं बाहर एंड आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ करने वाले हैं, मतलब ये हमारे रेगुलर व्लॉग से बहुत ही डिफरेंट होगा, तो वो क्या होगा आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। सो ये देखो ये इंसान जो इतना मेरे को घर पे बोलता है और दिखाता है कि मैं फालतू खाती हूँ, ये नहीं खाता। अजय खुद यहाँ पे पास्ता लेने के लिए आया है। तो लेना कौन सा था भाई, मन करता था कभी कभार। हाँ तो भाई मेरे पे नाम मत डाला करना। तो यार मेरे को ना ये वाला नहीं का मन कर रहा, लेकिन मेरे को बनाना नहीं आता, नॉर्मल वाला जो होता है ना। एंड गाइस आज का जो हमारा चैलेंज है, चलो ठीक है हम घर जाके रिवील करेंगे क्या है हमारा चैलेंज। ये बड़ा काम होता है बनाना, क्योंकि इसे पानी डालकर खा लो। ये बहुत इजी है, बट मेहनत तो इसी में लगती है ना। एंड अगर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लग रहा हो तो आज का चैलेंज ये हमारा इस चीज़ से रिलेटेड है। तो देखते हैं अभी हम कौन सा ले रहे हैं। तो यार हमने अभी सामान ले लिया है, देख लो कितना सारा भर भर के सामान लाए, देख लो। और भाई साहब बहुत टेस्टी चीज़ लिया है तो बस अभी हम लोग सोसाइटी में आ चुके हैं, घर चलते हैं और देखते हैं क्या लिया है। भाई आज ना बहुत तगड़ा खाने को मिलेगा जो भी सामान है, तो सब घर चलते हैं और मिलते हैं बाद में। यहाँ पे फ्रूटी है, दीदी बैठी। तो दीदी हम लोग क्या बनाएंगे आज? पास्ता। उसमें लोग अच्छा अलग चीज़ बनाएंगे आज हम लोग, है ना? वो हम थोड़ी देर बाद बताएंगे। हम चीज़ भी लगे हैं और यहाँ पर चिप्स वगैरह रखे हैं, मम्मी चिप्स खा रही हैं। तो मम्मी ने पहले बोला मेरे को कैमरे में मत लेना। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या बनाते हैं। भाई पास्ता लाया यार, बड़ा मन कर रहा था खाने का, तो बस अभी मिलते हैं बाद में। मैं जा रहा हूँ छत पे, आपको दिखाता हूँ क्या कर रही है। दूर भाई बहुत तगड़ी हो रही है, मैं बना रहा था नीचे पास्ता। और ये देखो यहाँ पर ये सुखा रही है कपड़े। अब ये गुस्सा हो गया क्योंकि मैंने इसको कुछ बोल दिया था, तो इसलिए अच्छे से मेरे को एंटरटेन नहीं कर रही। भाई बात नहीं करनी, ये देख लो बात तो कर रही, वैसे की बात नहीं करनी। क्यों नहीं करनी बता, तो मेरी मर्जी नहीं करनी। अब उसे बात नहीं करनी, जब पास्ता खाएंगे जब उसे बात करनी है। गाइस वी आर बैक अगेन एंड जो हमारा आज का चैलेंज है दैट्स गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग। चैलेंज का नाम क्या, वो तो हमने डिसाइड अभी नहीं करा है, वो हम सोचेंगे कि क्या है हमारा चैलेंज। पर चैलेंज ये है कि हम दोनों ने ही डिसाइड किया है कि हम दोनों ही इंडिविजुअली कुक करेंगे। ये मेरा वाला पास्ता है और ये मेरा है। तो जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि हम दोनों इंडिविजुअली कुक करेंगे एंड जिसने कैसा बनाया उसकी जजमेंट हमारी मम्मा करेंगी। सो लेट्स सी। बाकी अपार्ट फ्रॉम पास्ता वी डिसाइडेड कि हम और एक आधी चीज़ें जो हमसे बन पाए वो बनाएंगे, बाकी देखते हैं। बाकी मैं ये भी लाया हूँ अपने लिए अपने लिए नहीं है, मेरे लिए भी मैं स्पेशली मेरे लिए बच्चा कुछ एंड मैं ये चीज़ ले गई हूँ। तो बस पास्ता बॉयल, ये वाला इसका, ये वाला मेरा है। सब्जी तो तू मेरे लिए काट देगी ना? नहीं, चैलेंज का मतलब होता है सब लोग इंडिविजुअली करेंगे। ये अपने नहीं, मतलब सब्जी काट या सब्जी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा भाई। देख ये हरकत मत कर, देखो भाई चैलेंज है, ये अलग डिफरेंट करेगा। ये चीटिंग मत कर, जो मैं डाल रही हूँ वो चीज नहीं डाल। सब्जी तो काट ही देगी। अपना हो चुका है रेडी, देख सकते हो आप यहाँ पर, ये सारी सब्जियां मैंने काटी है और बाकी ये टमाटर, ये प्याज और अपना पास्ता हो चुका है बॉइल दोनों का ही। सो बस अभी हम लोग बनाते हैं और आपको आगे का प्रोसेस। ये रहा अपना सारा सामान, यहाँ तक का हिस्सा पूरा मेरा है। ये रहे मेरे पास सारे बहुत अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, और इसके अंदर प्याज बीन्स और टमाटर, और ये सेम दीदी का भी है, लेकिन बस दीदी ने एक्स्ट्रा ऐड करा है कि इसने क्या ये लहसुन और जिंजर गार्लिक पेस्ट इसने नॉर्मल बनाया है, और ये भी इसका पास्ता है, ठीक है। ओ हेलो। सो एंड मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ, मेरी रेसिपी में एक्स्ट्रा है ये जो हमने पास्ता, मैं भी को बोले थे जो हमने पास्ता का जिसमें बॉइल किया था, तो ये स्टार्च जो हो जाता है इसकी ग्रेवी के लिए बहुत काम आएगा, इसलिए मैंने इस पानी को इकट्ठा कर लिया है। और आप देख सकते हो ग्रेवी मेरी बहुत तगड़ी बनेगी, तो बस हम लोग कैसी बनती है। हाँ वाले यहाँ पर तेल गरम हो चुका है, तो भाई ये डाल दो। अरे मेरे इसको मैं भी करियो इसे निकाल, अरे निकालना मैं वीडियो बना रहा हूँ, अरे कर दे इसे भी पकड़ ले। एंड द कंपटीशन बिगन यो। ओ भाई साहब कितना मस्त लग रहा है, मस्त बेटा मेरा ही बनेगा। देखेंगे ना, तू पहले से क्यों बोल रहा है, मम्मी बताएंगे।
एंड ये होता है बड़ा भाई बहन होने का कॉम्प्रोमाइज, जो मुझे इस बर्तन में बनाना पड़ रहा है छोटा सा, और इन भाई साहब ने सबसे बड़ा वाला बर्तन लिया है। अरे मेरे को अच्छे से बनाना आता है ना इसलिए। ओहो एक्सपर्ट है ना तू तो। अरे हटा ये देखो, अगर मैंने लगाऊ ना तो इसका बर्तन गिर जाएगा। अरे हटाना दीदी इसको। अनफॉर्चुनेटली मुझे मेरा बर्तन चेंज करना पड़ेगा। अब मैं डालूंगा टमाटर। जरा इन्हें भी दिखाइए, इधर देख लीजिए एक बार आप। और ये सब ये मैंने डाल दिया इसमें सोया सॉस। ठीक है गाइस, तो अभी तो मिलाता हूं मैं एक बार। मेरे को सोया सॉस डालने की जरूरत नहीं है, इतना सारा कुछ एरिया मेरे पास भी, मेरे को बचा ले ठीक है ना लड़की। दोनों की ग्रेवी दिखाओ, बताओ कि आपको किसकी सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है देखने में। ये तो हमारी ऑडियंस ही बताई देगी। बोलो ना मम्मी, बताओ किसकी इंटरेस्टिंग लग रही है आपको। मम्मी ने मेरे को पीछे से इशारा कर दिया। अब देखो यार एक बार आप लोग देख लो क्या मस्त ग्रेवी आई है। देखो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है ग्रेवी, और इसकी ग्रेवी भी देख लो आप, इसकी अच्छी लग रही है देखने में। तो ये रहा पास्ता, में पास्ता ऐड करूँगा, और अभी यहाँ पर बर्तन साफ़ कर रही है देख लो इसको। तो अब बस मैं इसमें गैस धीरे करके पास्ता ऐड कर देता हूँ, और देखते हैं फिर हमारा पास्ता कैसा बना है। और वैसे भी जीतूँगा तो मैं यार, बस अभी मैं सारा पास्ता ऐड करता हूँ और आपसे बनने के बाद मिलता हूँ। और हम लोग ब्रेड का भी कुछ बनाने वाले हैं है ना दीदी, और वो आइडिया दीदी ने ही दिया था मेरे को, क्योंकि दीदी ने वो पहले बनाया, मैंने तो बनाया नहीं है। तो ये सारा अभी सामान उसका रेडी कर रही है। सो बस अब देखते हैं हम लोग अभी ब्रेड का क्या बनाता है, मेरे को भी आइडिया नहीं है, मेरे को तो बस पास्ता का था। तो बस अभी मैं पास्ता बनाता हूँ और आपसे मिलता हूँ पास्ता बनने के बाद। पास्ता भी कुछ ऐसा दिख रहा है, और बाकी ब्रेड का जो बना रहा है उसमें ये था, दीदी ने वाला टोस्टर यूज़ करा है, मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि उसमें सिर्फ टोस्ट बनता है, इसमें अच्छे से क्रिस्प आता है। तो बस देखते हैं, ये तो यहाँ पे बना रही अपना, बाकी देखते हैं कैसे बन, मेरा देख लो आप कैसा लग रहा है। और बाकी दीदी का दिखाता हूँ, दीदी का ये रहा। सो एक बार कमेंट करके बताओ किसका अच्छा लग रहा है। अब उसने क्या है, उसने बाहर वालों का देख के बनाया है, और मैंने खुद का बनाया। अरे चुप रहे मम्मी, आ जाओ स्टार्ट करो, पहले इसका खाओ। क्या-क्या कमी है, अरे अरे रुक जा, कमी तो तब निकलेगी ना जब मैं जीतूंगा। मैं जीतूंगा फिर तेरे में कमी ही कमी निकलेंगी। अच्छे से लो मैं बड़े बड़े बाइट लो अच्छे से। खाओ 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 जल्दी खाओ। क्यों मेरे वाले का टेस्ट ना, अरे रुक जाना तू। ऑनेस्ट डिसीजन मेरा, 1000 रुपए दूंगा। दोनों का ही बहुत अच्छा है, नो डाउट टेस्टी है दोनों का। हाँ, पहले तो थोड़ा सा खट्टा और स्पाइसी लगा। हाँ, तेरा भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मसालों की कमी थोड़ी सी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे दोनों का ही बहुत अच्छा है। विनर, विनर, ये सबसे चल ठीक है, तू विनर ला 500 रुपए।
मुझे अब तुम दोनों ही एक दूसरे का टेस्ट करो, फिर अपना खुद का टेस्ट करो। चलो ठीक है, तो ये ब्रेड खा के देखो ना ये कैसे बनाई है। मैं ज्यादा नहीं खाऊंगी। लाओ उसकी वाली मेरे को दे दो, फिर मैं इसको खाऊं। इतनी अच्छी नहीं है, है ना? बहुत सॉफ्ट हो गई। ये खाओ, ये थोड़ा क्रंची होती तो अच्छा है। बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई। ये खाओ, तोड़ो मत, बाइट ले लो। ऊपर नीचे दोनों में कोटिंग है मम्मी इसमें। इस गरीब ने तो जो ऊपर नीचे कोटिंग कर रखी है। अरे जाना करते तो फिर कोटिंग लग नहीं जाती। अरे तो खा ही मत, मुकुंदा हो जाएगा। जल्दी खाओ यो यो। तो चलो हम एक दूसरे का ट्राई करते हैं। हाँ मम्मी बोलो, क्या बोल रही थी? दोनों का ही बहुत अच्छा है। ठीक है, जेनरेशन भी बहुत अच्छा है। चलो तो हम एक दूसरे का ट्राई करते हैं। हम पहले मैं अपना खाऊंगा तो क्या। बताओ मम्मी इसके तरफ करो क्या। हाँ कैसा लगा? इसने फर्स्ट टाइम बनाया तो उस हिसाब से तेरा बहुत टेस्टी है, मेरे को अच्छा लगा इसका। ये हर बार बनाती है, उसने मुझे बहुत बेकार बनाया है। मेरा एक नंबर बनाया भाई। हाँ इसका मतलब मेरे को बहुत टेस्टी लगा। बच्चों के लिए ठीक है इसका, बड़ों के लिए मेरा ही वाला अच्छा, क्योंकि मैंने बहुत स्पाइसी बनाया इसका, बहुत ही ठीक है। ब्रेड दिखाती हूं। ब्रेड तो तू खा चुका है? आपका पास्ता अच्छा है, ले आदित्य की ब्रेड बहुत अच्छी लगी है, तो दोनों ही विनर। लेकिन तू Many minutes later. हम लोग आ चुके हैं वॉकिंग करने, तो पास्ता वाला चैलेंज आपको पता ही है, मैं जीत चुका हूँ। पास्ता वाला चैलेंज में जीत गया ना? मैं जीत गया। पास्ता वाला चैलेंज में जीत गया। यहाँ पे मम्मी पीछे तो आ जाओ, पीछे आ जाओ, एक बार दिखा दो। यो तो मम्मी हमारे साथ आई है वॉकिंग करने के लिए। उधर की चली गई तू? हाँ मतलब मम्मी तो रोज आती है, खैर मैं भी रोज आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा अलग जाता हूँ। तो आज मैं मम्मी के साथ भी आ गया क्योंकि मैं बहुत बोर हो रहा था घर पे। सो बस पीछे आप देख लो हमारे पार्क है, तो बस हम पार्क में चलते हैं और देखते हैं। और मैं अभी आ चुका हूँ पार्क में, पीछे आ दीदी, यहाँ पर दीदी है, वॉक करना ही है। यो दीदी पता पहली बार आई है वॉक करने के लिए, वैसे आती नहीं है वो। आज मतलब अच्छे से बन ठंड के, मतलब बिल्कुल कि आज वॉकिंग करने चल रही हूँ। और सबको ये बोल दियो कि मैं रोज वॉकिंग करने आती हूँ। कुछ भी यार, मम्मी से पूछिए, मैं रोज आती हूँ। नहीं पहली बार ऐसी कोई बात नहीं मम्मी, अगर मतलब बोलना था तो मम्मी पहले बोल देती है, झूठ बोल रही है। तू रेगुलरली आता है तो तेरा रेगुलर पार्क का ब्लॉक क्यों नहीं आता? तो भाई लोग पकने जाएंगे रो रो देख देख के, कि मतलब घूमता रहता मतलब ये सब, इसलिए यार रेगुलर उसका लाता ही नहीं हूँ मैं। अभी मैं चलो वॉकिंग कर लूंगा, लेकिन ब्लॉग नहीं डालूंगा, ठीक है? तो बस अब घर चलेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे। गाइस मैं आ चुका हूँ वॉकिंग करके, और ये अपनी रिफ्रेशमेंट आज की देख लो, पाइनएप्पल। यार बड़े दिनों से मन कर रहा था पाइनएप्पल खाने का, तो मैं इसको खाता हूँ। और जब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।